elections. What are elections? Elections क्या है, ये क्या है, इसको कैसे create करते हैं Shopify store के अंदर. तो आज हम सारी discussion करेंगे elections के ऊपर कि कितनी type की होती हैं, कैसे create करते हैं और ये होती क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इलेक्शंस की. जैसे कि ये एक वेबसाइट है पिशावरी चप्पल्स की. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम चप्पल्स कलेक्शंस पे कर्सर लेके जा रहे हैं, एरो लेके जा रहे हैं, तो ये नीचे कुछ हमें शो हो रही हैं कलेक्शंस, पिशावरी चप्पल, चारसदा चप्पल, क्वेटा चप्पल, मोरोजी, इस तरह ये सारी हमें क्या शो हो रही हैं, कलेक्शंस शो हो रही हैं. इसी तरह आप दराज की ऐप ओपन कर लें, दराज की वेबसाइट ओपन कर लें, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी कलेक्शंस मिलेंगी. मेंस की कलेक्शंस अलग होंगी, वुमेंस की अलग होंगी, किड्स की अलग होंगी. तो ये सारी क्या हैं, कलेक्शंस हैं. ये सारी इन्होंने क्या रखी हुई हैं, कलेक्शंस हैं. यहाँ पे ये सारी फूड स्टेपल्स की कलेक्शन है, कैट डॉग, ये सारी क्या है, कलेक्शंस. तो इसी तरह जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनाते हैं. इस कलेक्शन में हम ये चीज़ रखेंगे, इस कलेक्शन में हम मेंस का डेटा रखेंगे, इसमें वुमेंस का रखेंगे, इसमें किड्स की चीज़ें रखेंगे. तो इसी तरह हम कलेक्शंस बनाते हैं और उसमें डाटा पुट करते हैं और प्रोडक्ट्स लगाते हैं. तो सेम एज इट इज़ ही आज हम इसी पर बात करेंगे. तो आइए चलते हैं. सबसे पहले हम अपने स्टोर पर लॉग इन करते हैं. तो हमने क्रिएट किया था, तो लॉग इन किया. तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे कलेक्शंस के, कलेक्शंस बनाने कैसे हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं. और तो कलेक्शंस बनाने के लिए हम जाते हैं प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि इसका लिंक प्रोडक्ट्स के साथ है. तो जाहिर बात है प्रोडक्ट्स के साथ ही लिंक है, तो इसी में ऑप्शन में होगी ये कलेक्शंस. ये आप देख रहे हैं जी, ये है कलेक्शंस. ऊपर जो दो ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्वेंट्री का है कि आपकी इन्वेंट्रीज कितनी हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, और ये ट्रांसफर्स है कि आपने कितनी ट्रांसफर्स की हैं अब तक अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स एक एरिया से दूसरे एरिया में, वो आपने कितनी ट्रांसफर्स की हैं. तो लेकिन मेन चीज़ है कलेक्शन. तो आज हम इसकी बात करेंगे कलेक्शंस. तो अभी हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है, एक होम पेज की कलेक्शन है, वो बिल्ट इन होती है स्टोर के अंदर, तो वो होम पेज ही है. फिलहाल हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है. तो अभी हम एक कलेक्शन यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट कलेक्शन, जहाँ से हम जाएंगे कलेक्शन क्रिएट करेंगे. अब हम यहाँ पे एक कलेक्शन बना देते हैं मेंस की. एक कलेक्शन बनाते हैं मेंस कलेक्शन या मेंस फैब्रिक. ये हमने एक कलेक्शन बना दी. इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है या ऑप्शनल होता है डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन. आपने गहरी बात है, आपने कलेक्शन बनाई है तो उसमें आप थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इन दिस कलेक्शन यू विल सी दम, यू विल सी शावी द परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, इस तरह आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे. उसके बाद आ जाती है, ये दो मेन ऑप्शन हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, पता नहीं चलता, और वो मैनुअल और ऑटोमेटिक में फ़र्क नहीं कर पाते. तो मैं आपको दोनों को वन बाय वन समझाऊंगा कि मैनुअल क्या है और ऑटोमेटिक क्या है. तो सबसे पहले हम अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैनुअल क्या है और ऑटोमेटिक क्या है. मैनुअल ये है कि ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कलेक्शन वन बाय वन, ये आपको नज़र आ रहा है वन बाय वन. इसमें जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वन बाय वन ऐड करेंगे. इसमें हमें वन बाय वन जब भी हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको कल शो किया था कि जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलेक्शंस का, ये मैं आपको अभी शो कराता हूँ. मैनुअल में हम वन बाय वन बताएंगे, हर प्रोडक्ट के साथ बताएंगे कि ये वाली जो प्रोडक्ट है कौन सी कलेक्शन में हमने रखनी है, वन बाय वन बताएंगे. जैसे कि अभी ये है, ये मैंने कल एक प्रोडक्ट ऐड की थी आपके सामने, ये देख रहे हैं आप कलेक्शंस, ये ऑप्शन है. लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमने कोई कलेक्शन यहाँ पे शो नहीं की और इसने शो नहीं की.
तो अभी हम पहले कलेक्शन बना रहे हैं मेंस कलेक्शन के नाम से, तो हम ये रख रहे हैं मैनुअल। पहले हम मैनुअल को समझेंगे। अब ये मैंने कौन सी कलेक्शन बनाई है मैनुअल, इसको मैं यहाँ से करूँगा सेव। मैनुअल कलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ इस प्रोडक्ट को। इसको रिफ्रेश करके हम दोबारा इसमें ऑप्शन पे जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट ओपन करेंगे। तो ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की। अब यहाँ पे आज ये देखिए ऑप्शन है कलेक्शन का। अब आप देख रहे हैं कि मेंस पेशावरी चप्पल की कलेक्शन हमें यहाँ पे शो हो रही है। इट्स मीन कि जब हम मैनुअल कलेक्शन बनाएंगे तो हम हर प्रोडक्ट के साथ वन बाय वन यहाँ से अपनी मर्जी की कलेक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर प्रोडक्ट रखेंगे वन बाय वन। जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें जो मैनुअल कलेक्शन होगी वो सारी हमें यहाँ पे शो हो रही होगी। इसी तरह मैं इस पर चेक इन करता हूँ, ये जो मैंने ऐड किया तो ये मैंने मेंस शावरी चप्पल की कलेक्शन में भी रखनी है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मेंस शावरी चप्पल की कलेक्शन में ये चीज़ चली गई है, अब ये प्रोडक्ट उस कलेक्शन में चली गई है। मैं आपको प्रीव्यू करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है। अब ये मैं आपको यहाँ से दूसरी कलेक्शन का बताता हूँ। अभी हमने खाली कलेक्शन क्रिएट की है, अभी हमने यहाँ पे कहीं भी शो नहीं, अभी कहीं भी पेज होम पेज पे या कहीं भी इसका लिंक नहीं किया, तो जस्ट हमने प्रोडक्ट ऐड किया उस कलेक्शन में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दूसरी कलेक्शन बनाते हैं, क्रिएट अनदर कलेक्शन। अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो मैं ये जल्दी से प्रोडक्ट और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नोरोजी चप्पल, क्या नोरोजी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ बैग चप्पल। मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी, यहाँ पे मैं इसकी कोई एक पिक्चर उठा के रख देता हूँ। या वुमेंस कलेक्शन की हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो जाए। थोड़ा हमने एयरविंग्स वुमेन तो इसके मैंने पिक्चर भी लगा दी, इसकी मैं प्राइस को भी लगा देता हूँ 1000 रुपये लगा दी। कंपेयर एंड प्राइस मैंने लगा दी 1200। ये बात याद रखनी है कि कंपेयर एंड प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है एक्चुअल प्राइस। मल्टीपल ऑप्शन नहीं है इसके, तो हाँ इसके कलर्स हो सकते हैं। तो लेकिन अभी हमने एक ऐड किया होगा तो ये जस्ट आपको, ठीक है। अब आगे प्रोडक्ट्स की टाइप क्या है, वेंडर आप नाम कलेक्शन ये देखिए, भी हमारे पास ये कलेक्शन शो हो रही है लेकिन अभी हम इसको कहीं भी नहीं रखेंगे। होम पेज पे चले कर देते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट यहाँ पे इसको रख लें, टैग्स कोई भी बना लें। सेव किया। अब हम
कलेक्शंस पे जाते हैं, एक ऑटोमेटेड कलेक्शन अब हमने बनानी है, मैनुअल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम कलेक्शन पे जाते हैं, क्रिएट अनदर कलेक्शन, इस पे क्रिएट कलेक्शन करते हैं। चलें इसमें हम अब बना रहे हैं वुमेन्स कलेक्शन या वुमेन्स एयररिंग्स। एयररिंग्स अब हमने वुमेन्स एयररिंग्स की एक कलेक्शन बनाई जिसके अंदर खाली वुमेन्स की एयररिंग्स आएंगी, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब मैं बना रहा हूँ ऑटोमेटेड। अब ऑटोमेटेड में क्या होता है, ऑटोमेटेड में ये होता है कि जब आप ऑटोमेटेड कलेक्शन भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रोडक्ट्स दैट मैच द कंडीशन यू सेट विल ऑटोमेटिकली बी एडेड टू दिस कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि हम एक कंडीशन सेट करेंगे किसी भी लिहाज से। कंडीशन सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कंडीशन सेट करने के लिए टाइटल से कंडीशन सेट कर सकते हैं, टाइप से, वेंडर से, प्राइस से, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वेट से। तो मतलब कि हम एक कंडीशन सेट करेंगे, उस कंडीशन पर जो भी प्रोडक्ट उतर रही होगी उस कंडीशन के मुताबिक होगी, वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक कलेक्शन वहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ शो नहीं होती, तो इसलिए अब हम एक कलेक्शन इसको हम कर देते हैं टाइटल के साथ, कि जब भी टाइटल में, प्रोडक्ट के टाइटल में कंटेन कोई ऐसा वर्ड आएगा, जब भी प्रोडक्ट के टाइटल में आएगा एयररिंग्स, एयररिंग्स, अब जब भी प्रोडक्ट के टाइटल में एयररिंग्स आएगा, तो हमने ये प्रोडक्ट ऐड की है ऑलरेडी, इसमें एयररिंग्स है। तो इसी तरह जब भी प्रोडक्ट के टाइटल में एयररिंग्स आएगा तो वो ऑटोमेटिकली किस कलेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट जो हम ऊपर बना रहे हैं वुमेन्स एयररिंग्स। तो जब भी एयररिंग्स प्रोडक्ट के टाइटल में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में चले जाएगा। इसको हम अब सेव करते हैं। अब हमारे पास दो कलेक्शन बन चुकी हैं, एक मेंस शादी चप्पल और एक वुमेन्स एयर रिंग्स। एक ये हमने बनाई वुमेन्स एयर रिंग्स और एक हमने बनाई शावरी मेंस शावरी चप्पल। ठीक है, ये हमारे पास दो कलेक्शन बन गई हैं। अब हम क्या करते हैं जी, अब हमारे पास दो कलेक्शन क्रिएट हो चुकी हैं, एक मेंस पेशावरी चप्पल और एक वुमेन्स। एक ऑटोमेटेड हमने बनाई है, एक हमने बनाई है मैनुअल। अब क्या होगा कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जब हम सपोज कर हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया एक, अब इस प्रोडक्ट में हमें इसको हम इसमें एयर रिंग्स आ रहा है, वर्ड आ रहा है, हमने अगर स्मॉल की डाला तो हमने एयर रिंग्स वुमेन्स एयर रिंग्स डालनी। अब ये आप देख लें कि हमने कलेक्शन बनाई है ना, तो हमें इधर हमारे पास वो कलेक्शन शो नहीं हो रही जो हमने ऊपर बनाई थी ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसकी कंडीशन सेट की थी कि जब भी प्रोडक्ट के टाइटल में एयर रिंग्स आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट उस कलेक्शन में चली जाएंगे। अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक हो गया, अब हमने उसमें सेव कर लिया। ये देखिए, अब ये आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक इसमें कलेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन इसकी सेट की है, ये हमें शो कर रही है। तो अब वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में आ चुकी है। जो मेंस पेशावरी चप्पल वाली थी उसमें हमने वन बाय वन क्योंकि सेट किया था, ये उसमें आई है प्रोडक्ट। और इसी तरह जो हमने एयर रिंग्स वुमेन एयर रिंग्स का हमने टाइटल चेंज किया था, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये देखें आगे यहाँ पे भी वो हमारी प्रोडक्ट आ चुकी है, इस कलेक्शन में भी वो हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ चुकी है क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया था, हमने खाली इसकी कंडीशन सेट की थी। और ये कंडीशन सेट करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। नीचे ये दो ऑप्शन है, ये आपको मैं ऑलरेडी जैसे प्रोडक्ट बताया था कि आपने उसकी एसईओ कैसे करनी है, सेम एज इट इज ही उसकी कलेक्शंस के लिए भी अगर आपने उसकी एडिट करनी है एसईओ, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी ये इमेज, अगर आपने कलेक्शन के ऊपर भी इमेज लगाना है कि आपको जब वेबसाइट पे कलेक्शन आपकी शो हो, जैसे इसने नहीं लगाई हुई ऑनलाइन ग्राज वालों ने भी नहीं लगाई सेक्शन पे, शाबी चप्पल वालों ने भी नहीं लगाई, मतलब कि अपने कलेक्शन की कोई इमेज लगानी है जो आपकी कलेक्शन पे शो हो रही हो, जैसे कि मैं इस पर यही एयर रिंग्स की ही लगा देता हूँ, उसको यही मैं लगा देता हूँ। फिर मैं इसकी इमेज पर लगा देता हूँ, सेव कर दी, तो ये आप वहाँ पे इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था कलेक्शन का, जो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिए। तो इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे पेजेस वगैरह पे, और हम पेजेस वगैरह पे और इसको हम बात करेंगे कि आप इमेज जो मेन्यूज हैं नेविगेशन पे बात करेंगे, फिर जो मेन्यूज हैं जो किसी भी वेबसाइट के मेन्यूज होते हैं, जैसे ये पेजेस हैं और ये हैं, तो अपने वेबसाइट पे आपने कैसे लेकर आना है, जैसे कि ये एक है जैसे मैंने पहले बोली है शॉपिफाई कंपनी की, अब इस पर जो पेजेस और मेन्यूज नेविगेशन हैं ये कैसे हमने अपनी वेबसाइट पर लगानी है, तो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इन पेजेस को और इसको ऊपर फ्रंट पे लाने का तरीका क्या है और लोगों का, और ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्टर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्टर इंशाल्लाह।